पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ द्वारा क्रीड़ा संकुल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैदान में योगाचार्य राजशेखर यादव ने प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, महापौर सीताराम, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीएम के विजयन पांडेन, सीडीओ अनुज कुमार सिंह सहित गोरखपुर जनपद के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीसी, एनएसएस, खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को योग कराया। आपको हथेले पे से रगड़िए, आंख पे से रखिए। मैंने कहा ना कि रगड़ से आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। अब हम सभी चेहरे के लिए करें, दुनिया के कोई भी स्किन का डॉक्टर कहता है फेसवाश, साबुन, क्रीम, बाबा रामदेव कहते हैं फेयर एंड लवली लगाइएगा तो भैंस पर गोरी थोड़ा हो जाएगी। चेहरा पे कोई भी क्रीम लगाए तो सेल्फी लेते हैं, होगा चेहरा आईना आया कि एक साफ है, स्वस्थ है, अच्छी नींद पूरी की, चेहरे से 5 घंटा 6 घंटा तक झुके हुए फेसबुक पर। ये गर्दन को क्या लंबी यात्राएं करते हैं, गर्दन को पढ़ाई करते हैं, ये और लगता है आगे तो लटकता ही है। आजकल हां ना का जवाब देना है वो भी 5 किलो गर्दन हिला के बेचे बोल नहीं पाते। तो सांस लेने से आपको वहां ऑक्सीजन मिलेगा, सांस लेने से वहां, मैंने देखा है गर्दन घूमता ही नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे आते हैं पूछने, 20 साल हो गए आप उतनी गर्दन में कहीं भी खिंचाव ना हो, कहीं भी दर्द ना हो, लगभग दूर तो सीखवाए आगे आने चोटी रह ही जाते हैं। ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आंख को ऐसे खोलिए, आंख से चश्मे हट जाएंगे, आंख को ऐसे खोलिए, लंबाई को बढ़ाइए बच्चों के लिए, सांस लीजिए अंदर और खींचने से देखिए घुटने पर खिंचाव पड़ रहा है, आगे झुकिए, फिर सांस लेते हुए 12-12, 15-15 साल एक पैर पर खड़े रहते हैं, खड़े सो ही बाबा, तो सांस लेकर के जब आप रोकेंगे एक पैर पर, मन आपको कहीं जाएगा, एक तक सामने की तरफ देखे और दोनों पैर से एक ही बार कर दीजिए, बहुत होते हैं तो कोई कई बार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो इस तरह से आपने वृक्ष आसन, वृक्ष भोजन 4 घंटे में पचता है, जब आप सोए होते हैं वही भोजन 7 घंटे में पचता है और आप पेट में 8-9 किलो मत सड़ता है। तो 3 बार से अभ्यास शुरू करें, जो सभी नए साधक मैक्सिमम है, सांस लेते हुए ऐसे घुमाते जाएं, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएं। जीवन जीने के लिए 2 रोटी खाने के लिए, और मरने के लिए क्या करते हैं आप, अभ्यास करें, बहुत ही आपको आनंद आएगा। आप दाहिने पैर की देखिए, पैर का तलवा, कमर को ढीला, नाभि को ढीला, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को लगी तो कुछ क्या ना कर दिया पता, और ऐसे बैठे जैसे लगे कुर्सी पर, योग दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह और योग प्रशिक्षकों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा। गोरखपुर जनपद के सभी योग प्रेमी यहाँ एकत्र आए और सच में 1 घंटे जो योग का कार्यक्रम किया गया, ये एक अभिनव कार्यक्रम था। योग अपने में एक विशेष है, योग मन को भी जोड़ता है, योग तन को भी जोड़ता है और गोरखपुर में तो योग का विशेष महत्व, और एक संयोगी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, ये योग का ही प्रभाव है। हृदय संबंधित, लंग संबंधित हमारे सभी रोग समाप्त होते हैं और यदि नियमित रूप से बच्चे हमारे गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और यही मंत्र यदि हमारे वृद्ध बुजुर्ग करते हैं तो उनकी डिमेंशिया जैसी बीमारी ठीक होती है। इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्रों में 24 अक्षर का समावेश है, इन 24 अक्षर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि प्रतिदिन सभी पढ़ने वाले बच्चे, बुजुर्ग, सामान्य जन इस गायत्री महामंत्र का उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा। और इसके कई स्पेशल इफेक्ट भी है और जैसा कि आप देख रहे हैं तब से लेके 5-6 साल है आंदोलन के रूप में विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग
आपके माध्यम से ही आह्वान है सारे जनमानस को भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इसको हमें अपने जीवन